जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूँ। पूरा पेपर बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा पेपर आपको डिटेल में दिखाते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी करवाते हैं, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, ठीक है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सब लोग जानते हैं जुसेपी मेसिनी की थी। ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। ध्यान देना, मेसिनी की जगह पे कहीं पे मेजनी भी लिखा रहता है, मेजनी, तो वो भी इन्हीं का नाम है भाई, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में शुरू हुआ, पूछा जाए कब पूर्ण हुआ, तो 1918 में पूर्ण हुआ, ध्यान देना। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1917 में नहीं हुआ, 1891 में भी नहीं हुआ। अगला देखते हैं, अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है, 1919 में इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है 1919 में 13 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान देना, तारीख भी याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था, तो जर्मेनिया था, ठीक है, सब लोग जानते हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है, तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ठीक है, बाकी सब गलत है। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, यानी राज्य स्तर पर संचालन कौन करता है, तो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर संचालन करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, सरदार सरोवर बांध से, ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, तो कांसी राम, ध्यान देना, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान होते हैं, ओके, सभी नागरिक एक समान होते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है या सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में, सोपानी को ही हम लोग सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, ध्यान देना। अगला है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो गन्ना भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है, लेकिन गेहूँ रोपण फसल नहीं है, ठीक है। अगला है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कंप्यूटर बनाएगा, ठीक है, फालतू थोड़ी बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही कंप्यूटर और अन्य संयंत्र निर्मित करते हैं, ठीक है, बाकी ये अल्यूमिनियम प्रगलन ये गलत हो जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों गलत हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, ठीक है, तो पाइपलाइन, सॉरी सड़क परिवहन, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा, ध्यान देना, सड़क परिवहन। निम्न में से किसे औसत आय भी कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय को, ऑप्शन सी आपका सही होगा। जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो विदेशी निवेश कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों का सही होगा। अब देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था, तो आप लोग जानते हैं मारियान फ्रांस का नारी राष्ट्र रूपक था और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक था, ठीक है, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था इसका मतलब ये था ताकि जर्मन के और फ्रांस के लोगों के अंदर भी उनकी तरह वीरता के भाव आएँ, ठीक है। अथवा में नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हाँ, नमक यात्रा की वजह से अंग्रेजों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक यात्रा जो है अंग्रेजों के खिलाफ अर्थात उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, ठीक है। सामाजिक अंतर कब और कैसे विभाजनों का रूप आपको बताना है, कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए, दो में से एक ही करना है। स्थानीय सरकार का मतलब ये होता है गांव स्तर पर जो प्रधान जी बने होते हैं, प्रधान जी आप लोग जानते हैं, प्रधान जी के होने का हमें क्या फ़ायदा मिलता है ये चीज़ आपको बताना है। तो सब लोग जानते हैं भाई, प्रधान जी हमें क्या क्या योजनाएँ दिला सकते हैं, हमारे गाँव में क्या क्या विकास नहीं है वो प्रधान जी करवाते हैं, है ना, तो स्थानीय सरकार का महत्व ही आपको बताना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में आपको बताना है, यानी सभी विश्व के कई कई देशों को किसी भी तरीके से आपस में एकजुट करना, ठीक है, आपस में एकजुट करना वैश्वीकरण कहलाता है। अथवा में दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में अलग अलग समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया है आपको बताना है,
यानी कि अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग प्रकार के समुदाय जो हैं, जंगलों और जंगलों के जीवों को सुरक्षित रखने के लिए अपने क्या क्या योगदान दे रहे हैं आपको बताना चाहिए। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर, मतलब जो नया किया जा सके यानी जिसको दोबारा उपयोग में लाया जा सके नवीकरणीय, जिसको दोबारा उपयोग में ना लाया जा सके वो अनवीकरणीय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं तीन आंदोलनों का आपको विस्तार से वर्णन करना है। पहला आप लोग जानते हैं चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा आप लोग जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह, सब लोग जानते हैं, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा आप लोग जानते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह, है ना। तो ऐसे ही आपको दो तीन बता देने हैं, इनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सर्च कर लो, ठीक है। महामंदी के कारणों की आपको व्याख्या करना है, 6-6 अंक के ये सभी प्रश्न हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। पंचायती राज व्यवस्था आप लोग जानते हैं कि ये जो अलग अलग गांव बनाए गए हैं, पंचायत बनाए गए हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति को योजनाएं अलग अलग तरीके से दी जा सकती हैं, ठीक है, और प्रत्येक गाँव का विवरण सरकार के पास आसानी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। अथवा में है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए एवं नारीवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि भारत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है उसमें विधायिका के अंदर महिलाएं क्या योगदान दे रही हैं, क्या महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही हैं, तो आपको ये बताना है कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम है, ठीक है, विधायिकाओं में भी महिलाओं का ज़्यादा योगदान नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। अथवा में भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर कैसे नज़र रखता है आपको बताना है, यानी RBI जो है अन्य छोटे छोटे बैंकों पर किस तरीके से नज़र रखता है, तो आपको बताना है कि ये दूर दराज तरीके से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से जांच करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य शाखा जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सबको लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, केवल बड़े आदमियों की ही सेवा तो नहीं कर रहे हैं, सब लोगों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ वो देखता है, ठीक है ना। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन आपको करना है। जैसे बांध बना दिया जाता है तो इससे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इनको आपको बताना है कि प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो सब लोग जानते हैं कि बांध बना करके बिजली का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ बिजली निर्माण में भी सहयोग करती हैं, मत्स्य पालन में भी सहयोग करती हैं, ठीक है, मछली पालन में भी सहयोग करती हैं, इससे सिंचाई भी की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना बनने से अनेकों इलाकों में सिंचाई का पानी पहुंच पाता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है अलग अलग तरीके से। अथवा में देखिए भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है, तो बस आपको ये लिख देना है कि वैश्वीकरण की वजह से भारतीय कृषि बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई है और भारतीय कृषि डे बाई डे ग्रो कर रही है, ठीक है, अनेकों कीटनाशकों अनेकों रसायनों की वजह से भारतीय कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, बस ऐसे ही आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, ठीक है। मानचित्र कार्य देखिए, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है तो सब लोग जानते हैं आगरा में स्थित है, वह स्थान जहाँ राम मंदिर स्थित है तो अयोध्या में स्थित है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ध्यान देना, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। वह स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, ठीक है, गुजरात में आपको दर्शाना है साबरमती आश्रम से। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लाहौर में हुआ था, लाहौर में, ठीक है। दक्षिणी सिरे पर स्थित एक पत्तन, तो तूतीकोरिन आप लोग दर्शा देंगे, ठीक है, दक्षिणी सिरे पर स्थित एक पत्तन है, ठीक है, तूतीकोरिन। झारखंड की राजधानी रांची है, आपको एक चिन्ह द्वारा दर्शा देना है। चाय उत्पादक राज्य असम हो गया, ठीक है, भयंकर चाय होती है, विकराल, ठीक है, 80% चाय होती है। अभ्रक की एक खान आपको कोडरमा दर्शा देना है, कोडरमा हो गया। गिरिडीह जिला हो गया झारखंड में स्थित, ठीक है, गिरिडीह जिला हो गया। अन्य एक दो जिले हैं आप लोग दर्शा देंगे। कावेरी नदी आपको तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये चिन्ह बना देने हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेपर आज का मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान पेपर है। ऐसे ही आपका भी पेपर आएगा, टेंशन मत लो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।